नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बात करूंगा कि बहुत से जो मल द्वार के रोगी हैं उनमें जो है मल द्वार में जो है टाइटनेस आ जाती है, और फिर जो है मल द्वार से है वापस जब मल आता है तब खुलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको तेज़ दर्द होता है। बेसिकली मल द्वार के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं जो फैलने का और सिकुड़ने का काम करती हैं, साथ ही साथ जो मल द्वार का जो वाल्व होता है उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जो है जकड़न आ जाती हैं, जिसकी वजह से मल त्याग के समय उनको असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो है दोस्तों क्या उपचार है और घर बैठे जो है आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। इसके जो है मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। एक मेथड तो जो है आप नॉर्मली जो है घर में सभी के पास होता ही है, और एक दूसरा है जो मेडिकेटेड जो तरीका है वो भी बताऊँगा मैं आपको, तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मल द्वार में जो है कड़कपन या फिर जो है जकड़न या फिर जो टाइटनेस क्यों आ जाती है। ठीक है दोस्तों, कारणों की मैं बात करूं तो कारण जो है एक तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन जो है सबसे बड़ा कारण है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो बार बार जो है वहाँ पे जो है रगड़ की वजह से जो है मांसपेशियों में जो है लचीलापन जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑपरेशन करवाया है, जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है सर्जरी वगैरह होती है उससे जो हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि आपके जो है कोई प्रकार की इंजरी वहाँ पे हो गई हो, किसी प्रकार के आपके वहाँ पे कुछ लग गया हो, चोट वगैरह लग गई हो, तो उससे भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है जन्मजात भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो है जन्म के समय से ही जो है आपकी मांसपेशियाँ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं और उसकी वजह से जो है आपकी मल द्वार की जो मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर रह जाती हैं। तो ये हैं दोस्तों बेसिकली कारण। बात करूँ इसके उपचार की तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको दो उपचार बताने वाला हूँ। सबसे पहला उपचार है नारियल का तेल। दोस्तों नारियल का तेल जो है आप ये मान लीजिए स्किन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। स्किन की कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई रैशेस हो, वहाँ पे कोई कट लग गया हो, वहाँ पे लचीलापन लाना हो, वहाँ की डार्कनेस ख़त्म करनी हो, वहाँ पे वाइटनेस लानी हो, नारियल का तेल जो है स्किन के लिए ऑलराउंडर है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं। तो आपको जो है नारियल का तेल जो है वहाँ पे लगाना चाहिए। अब वहाँ पे कैसे लगाएंगे और कैसे उसकी मालिश करेंगे, तो देखिए दोस्तों आपकी जो उंगली होती है नारियल तेल को सबसे पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, और उसके बाद आप अपनी उंगली पे जो है उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाने से पहले आपको हाथ जो है अच्छी तरीके से धोना चाहिए, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो है हाथ के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपको जो है अच्छे से है 2 से 3 बार हाथ को जो है धो लेना चाहिए, या फिर जो है ग्लव्स आते हैं आप ग्लव्स पहन के भी जो है आप जो है ये काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहन लीजिए, उसके बाद जो है तेल में जो है उंगली डाल के आप अपने मल द्वार के अंदर जो है उस उंगली को घुमा सकते हैं। ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो जो है ऑयल जो है मल द्वार के अंदर चला जाता है, वहाँ पे जो है धीरे 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 आप इसको मालिश करेंगे तो उसके मांसपेशियों में जो है ताकत आएगी और वहाँ पे भी जो है लचीलापन आएगा। जो वहाँ पे सुस्की बढ़ जाती है मतलब वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है तो वो भी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये तो है दोस्तों पहला तरीका कि आप नारियल तेल से जो है वहाँ के मालिश कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, एक बाज़ार में जो है तेल मिलता है जात्यादि तेल उसको बोला जाता है। ये मेडिकेटेड ऑयल होता है, आयुर्वेदिक ऑयल होता है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिससे जो है तेल निकाल के जो है आपको बनाया जाता है। तो जात्यादि तेल जो है आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे या मेडिकल की दुकान पे भी जो है आपको आराम से जो है मिल जाता है। जात्यादि तेल तो जो है जो किराने की दुकान वाले हैं वो भी जो है रखते हैं तो वहाँ पे भी जो है मिल जाता है। आप उस तेल को लेके आइए, सेम जो है आपने जैसे नारियल तेल से जो है मालिश की है वैसे ही जो है आप अपनी उंगली पे जो है जात्यादि तेल को लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपनी उंगली को जो है एनस के अंदर डाल दिए और हल्की हल्की जो है मालिश करिए। दोस्तों इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, और मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी होता है तो भी मल जो है आपका आराम से आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे चिकनाहट होती है और चिकनाहट की वजह से जो है वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से आपको जो है मल द्वार के और जो रोग होते हैं फिशर उसके होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल नहीं है, चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो हैं अपने मल द्वार को जो है थोड़ा सा आप बैठे रहते हैं तब आप थोड़ा मल द्वार को सिकुड़िए वापस छोड़िए, सिकुड़िए वापस छोड़िए, सिकुड़िए वापस छोड़िए,
ये एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है। तो इससे जो है मलद्वार की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जो है ताकत आती है, वहाँ पे जो है लचीलापन बढ़ता है। तो ये वाली भी एक्सरसाइज भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ में जो मैंने होम रेमेडी बताई आपको, एक नारियल का तेल और एक जो है आपके जात्यादि तेल, इन दोनों की मालिश करिए, आपका जो है रोग ख़त्म हो जाता है, आपकी टाइटनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे।